बड़ा ही दुख होता है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? इतनी शर्मसार और घृणिता की राजनीति आप कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कह दिया हंसराज हंस जी वाल्मीकि समाज से नहीं मुसलमान समाज से आते हैं। आपका क्या कहने का मतलब है कि वाल्मीकि समाज की अपनी कोई इज्जत और वजूद नहीं है या मुसलमान समाज की अपनी इज्जत और कोई वजूद नहीं है? आप होते कौन है या वाल्मीकि या मुसलमानों पर सवाल उठाने वाले? धर्म और जाति की राजनीति करना बंद कर दीजिए। दिल्ली की जनता आपका बहिष्कार करेगी 2019 में भी और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी, आप देख लीजिएगा। और आपने कल तो हद ही कर दी, मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति को आपने नाचने वाला कह दिया। हाँ, वो भजन गाने वाला व्यक्ति है, वो माता की सेवा करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो गरीबी से जूझकर पूर्वांचल से आकर दिल्ली में अपना स्थान उसने किस प्रकार ग्रहण करा है, वो गरीबी से जूझकर करा है, अपनी मेहनत से करा है, अपने क्षेत्र में अपने लोगों की सेवा कर करा है, जो आप 5 सालों में कर नहीं पाए। आपने क्या किया है 5 सालों में? बिजली के दाम इतने आसमान छू रहे हैं जो पहले कभी नहीं था। इतना गंदा और जहरीला पानी आप पीने को दे रहे हैं। बड़ी आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आज मैं बोल रही हूं बुर्का पहनकर भी मुझे बसों में जाने में डर लगता है। इतनी असुरक्षित है दिल्ली आपके नेतृत्व में और रहेगी अगर आप दोबारा आ गए। इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं उस भजन कीर्तन गाने वाले व्यक्ति के ऊपर सवाल ना उठाकर, किसी पूर्वांचल से आकर जो गरीबी से जूझ कर आकर देश सेवा में लगा है उस पर सवाल ना उठाकर अपने जरा गिरबान में झांक कर देखिए कि आपने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए करा क्या है। तो आपको खुद शर्म आ जाएगी और आप पानी पानी हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपका बहिष्कार होने वाला है, मुसलमान आपका बहिष्कार करेगा, दिल्ली का एक एक व्यक्ति आपका और आपकी पार्टी का आपकी घृणिता और शर्मसार जैसी राजनीति का बहिष्कार करने वाला है। याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल इस बात को।